लाल बन गया, अभी जाके देखते हैं क्या ही होता है। दोबारा चिल्लाते हैं ये बर्थडे आ रही है पीछे, और भाभी कह रही थी कि उन जगहों पे नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी जहाँ पहले जा चुकी हूँ। तो हमने इसके बर्थडे का कुछ अलग प्लान बनाया, क्योंकि हम अभी अभी घर आए हैं और हमने सोचा हाँ बाहर से ही ये वो ऑफिस की ड्रेस में आई है, और मैं पेशेंट की ड्रेस में हूँ, मैं अपना चेकअप कराने गई थी। और हमने सोचा है पहले थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, फिर जाएंगे अंदर मूवी देखने, और उसके बाद फिर अंदर जाके काजल भी लगा रखा हुआ उतर गया, अच्छा नहीं लग रहा जब इधर। अरे मैं स्कूल जा रही थी आज सुबह, तो मैंने तब ये थोड़ा सा हल्का फुल्का रेडी हुई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो चली जाऊँ। और फिर मैं जूडियो गई थी, तो जूडियो में मैंने ये फ्री का काजल लगा लिया ट्राई करने के लिए कि ये उतरता है कि नहीं उतरता। मुझे नहीं पता ये उतरा है कि नहीं उतरा है, बेकार लग रहा है, बहुत डरावनी नहीं लग रही है, वो अलग नहीं रही, थोड़ा सा मैं तो डर गया था। मैं दोबारा बताती हूँ, बाद में बताऊंगी इस बारे में, लेकिन अभी हमने डिसाइड किया है कि हम पहले थोड़ा बहुत बाहर खाएंगे, फिर अंदर जाके मूवी देखेंगे, फिर इंटरवल में कुछ खाएंगे। पूरा और अभी हमें ये नहीं पता कि हमें मूवी की टिकट्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अरे काजल वैसे सच में ही बहुत ज्यादा फैला हुआ, मैंने नीचे लगाया था, ये ऊपर तक और सब जगह हो गया है। और फिलहाल जाके देखते हैं क्या होता है। ये आ रहे पीछे स्लो स्लो मोशन में, तू ये सब देख रहा है। ये यही बैठी थी, क्या कर रहे थे भाई तुम यहाँ बैठ के? मेहंदी अच्छी लग रही है, देखना गाइस कितनी सुंदर मेहंदी लग रही है। मैं भी आऊंगी, बताओ कब आना, जब आपका मन करे तब मेरे भी लगा देना। ये मैं इसके घर जब भी जाऊंगी ना तभी ये बोलेगी आज मेहंदी नाइट, प्लस थोड़ा ऐसा करेंगे माहौल नाइट आउट वाला, रात को गाएंगे फिरेंगे, हमें कल की देखनी है क्या आज टिकट मिल जाएगी, कल की देखने कल आए ये कल की के प्रोड्यूसर के पास भेजा जाए, यहाँ कल की देखने जरूर का जा रहा है। दिखाना कहाँ पे है कौन कौन, स्क्रीन दिखा, ये ठीक है स्क्रीन के बिल्कुल सामने है, वो फिर साइड में हो जाएंगी, मैं तो नो ले सकती हूँ, और नो ना है 4, 5, 6, 7, 8 ये नो रही ऊपर वाली, मैं ये ले सकती हूँ इस लाइन में, क्योंकि मेरे को स्क्रीन के सामने देखना अच्छा लगता है। 7, 8 और 2, 7, 8 कर दो और 1, 9 कर दो। कौन सी तू कह रहा है? 9 पे बैठ जा, ठीक है 9 फोन नंबर बताइए प्लीज। 9 8 9 बता दो, अब इसकी एज मत बताना, आज मैं भूत बनी हुई हूँ, मैं डॉक्टर के पास से आई हूँ आज, मत बताना। 14 साल के बच्चा से थे वो 14 की है, ज्यादा बोल दिया क्या? 3 साल के बच्चे अलाउड है, 32 से कम, 2 हटाया मैं, बोलिए ये ले सब पर कैश दे देती हूँ। ठीक है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, आई एम अंडरस्कोर क्रिएटिव आर्मी, इंस्टा पे मेरी आईडी है भैया, ये बस ब्लॉग है भैया ने भी ऐसे आ सकते ऑटोग्राफ वो ऑटोग्राफ भी देना है, ऑटोग्राफ तो दो वो ये तो बताओ आपका ऑटोग्राफ कुछ नहीं बेटे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने खुद ही ऑटोग्राफ दे दिया, उसने मांगा नहीं था टिकट काउंटर पे, मैंने अपनी आईडी दी ना तो मैंने खुद ही अपना ऑटोग्राफ दे दिया, वो अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था, फ्रेंच फ्राइज भी मंगाने हैं या फिर कुछ सुनो, लाइट खाना है कि किसका खाना है पहले वो बता दो। मेरा मैं तो भरा हुआ हूँ, मैं तो भरा हुआ हूँ, ये भरे हुए हैं, 2 रोल खा गए हैं, 2 पिज्जा खाना किसी के लेके,
कुछ ले लेंगे चलते टाइम ले लेते हैं नहीं 200 रुपए का जोर से प्राइस तो नहीं बोलेगा आराम से खाएंगे सबको पता नहीं चलना चाहिए यहाँ हम प्राइस देख के खा रहे हैं परिधि गति मंड गई है हम तो फिर वीडियो बनावे हैं अरे तो मुंडी लाग रही है और कम से मैं तो भूख मंद लाग मंड गई है कुछ पीन का मंगा ले हैं बहुत प्यास लग रही है और इसके बाद ऊपर जाकर पियेंगे तो हमारे कम खाओ पियेंगे वैसे फाइट कर रहे हैं ये मरेगा नहीं ये दोनों ये अंदर से बहुत टकती है ये जो दिख रहा है ना आपके चेहरे स्माइल करता हुआ सच में बेकार है ये क्या पता है जला भाई अजीब चलो ठीक है कोई बात नहीं ठीक है इसको भी पीटूंगी इसको भी पीटूंगी दोनों विलन है बट मेरा ये मर नहीं सकता ये मर नहीं सकता पहले इसको क्यों मार रहा मार तो नहीं सकता है ये क्यों मार रहा है ये लड़की है तो कैसे मजा मजा मजे मजे में लड़ रहे इसने इसने इसकी लाइफ बर्बाद कर दी ये हैप्पी फाइट हो रही है यहां डेडपूल वुल्वरीन तो कोई नहीं मर सकता लेकिन यहां पर से लड़ाई करते हैं मार के लिए इसके हाथ में टाइम मशीन लगी इसने जाकर उसको कर दिया खत्म कर दो अरे नहीं नहीं मैं नहीं कहूँगी आप करिए अरे तो यू कह देना मेरी बहन आई थी हम चले जाए अब अंदर कितने बजे का है 9:30 का ठीक है ऊपर फोटो खिंचा दूंगी और उसके बाद जब इंटरवल के बाद कह रहे ना बहुत अच्छी है तभी उठ के देखेंगे सही बात है आप शुरू से ही देखो तभी तो अच्छी लगेगी शुरू से देखूंगी तभी यूं कह रहे हैं कि बीच में बोरिंग है स्टोरी शुरू से स्टार्ट में आपको पता चलेगा ना एंड में क्या पता चलेगा ये मूवी बहुत अच्छी है बहुत बढ़िया है ठीक है भक्तों के लिए अच्छी है ना भक्त डिसअपॉइंट तो नहीं हो जाएंगे नहीं नहीं भक्त तो हम है राम भक्त है हम चलो हम देख के आते हैं फिर बताएंगे आप भी यहाँ मिलोगे नहीं हम तो यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे ठीक है ओके मेन हीरो वो यही है पर मूवी का हम तो इसको हम क्या नाम ले रहे थे डेडपूल लेकिन हम इसमें डेडपूल नहीं लिखेंगे थोड़ा थोड़ा स्पाइडरमैन लग रहा है ना सुनो लाल काला जिसने पहना वो स्पाइडर मैन और मूवी डायरेक्टर अरे ये दूसरा है ये तो शाहरुख खान है इसका कोई गाना बताओ ये गोरी गोरी आंखें ये बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है हमारे पास एक एक्स्ट्रा चाहिए हो तो बदलना हो तो हाँ मैं तो लूज इतना है अच्छा लूज तो हमारा भी होगा मैंने धोखा हुआ मेरे साथ धोखा बाद में बताऊंगी मैंने क्यों कहा है मुझे ये खा गया था कोई हैंडसम लड़का है तो अब मैंने बोला तो था इस तरफ आ जाएगा लेकिन कोई बात नहीं जब तक मुझे यहाँ पर लव हो जाएगा अब मेरा पूरा ध्यान फिल्म पे रहेगा ये ठीक है अब मुड़ोगे नहीं पता नहीं कितनी देर में स्टार्ट करेंगे ये मूवी को मान लो वो भी यही देख रहा था वो हमारे ब्लॉग नहीं देखेगा मैं इसको अलाउड नहीं करूंगी नहीं हाँ हाँ यही कह रहा है जो मैंने कह रहा हूँ ये देखा अब बुआ ने सोचा क्या होता है क्यों द्रोणाचार्य को अपने कर्मों का फल मिला तुमने एक अजात शिशु पर अस्त्र चलाया उसका फल तुम्हें मिलेगा मैं भी देह त्याग दूंगा इस युग का अंत होगा पर तुम सदा जीवित रहोगे मृत्यु की भीख मांगोगे परंतु मृत्यु तुम मेरे ड्रिंकिंग यूनिट
तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? वैसे तो ठीक लग रही है पर कुछ चीजों में ऐसे थोड़ा लग रही है कि दीपिका पादुकोण का ब्लाउज जलाती है और देखो लॉजिक समझ नहीं आया ऐसा क्यों करते हैं। आग जल रही थी हुआ तो कुछ तो हुआ ये बोलना तो स्पॉइलर है स्पॉइलर दे रहा है क्या हमारा टर्म। मैं ये कह रही थी था डबर वाले कौन की तरह का डबर होगा अब इसमें मैं थूक दूं तो कोई और तो नहीं आएगा ना बस इधर पीटा जाएगा भाई साइज देखो मजा ही आ जाएगा इतने हम खा पाएंगे बहुत मीठे हैं बीजू कह रहा था बार बार गोवा कैरमल लेंगे खत्म हो गई है इतने पॉपकॉर्न बच रहे हैं और वो किस जा रहा है वो वापस करन चश्मे यारा सब चश्मे ने रिटर्न कर रहे हैं ताकि उनके पैसे वापस मिले चश्मे के 300 रुपये मिलेंगे चश्मे वापस करे थे 50 रुपये का एक चश्मा था 50 रुपये को खुले ना दे तो उन्हें 300 के 6 दे दिए जबकि हम आदमी थे 5 आदमी हम तो औरतें हैं और मैं तो लड़की हूँ एकदम बच्ची तो ये क्या कह दिया मैंने बाईस तुम लोग बताना किसू बच्चों की श्रेणी में आएगा या महा बच्चों की श्रेणी में आएगा देखो वो खड़ा है वो किसू ही है सफ़ेद वाली टी शर्ट में अगर ध्यान से देखोगे तो वही किसू है ऐसा लग रहा है डरा हुआ सा 6 चश्मे हाथ में ले रखे हैं जो बेटा उसकी मदद कर दे कहीं किसी ने उसके चश्मे ना खोस ले ये लव को भेजा उसकी मदद करने के लिए देख 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 शीशु की शक्ल देख कैसी डरी हुई है बुआ धोर होगा देते हैं अभी खत्म हो चुकी है चश्मों का लेन देन अभी भी बाकी है जैसे चश्मों का लेन देन पूरा हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे लोग ये लास्ट वाली सीटें क्यों लेते हैं मेरे को तो इतनी दूर से मज़ा भी नहीं आया मुझे तो एकदम पास से देखने में मज़ा आता है कि मैं बिल्कुल पास से देखूं और ये अपनी बाल्टी को घर लेके जाएंगे इसमें मैं नए पौधे उगाऊंगी पीपल का पौधा उगाऊं क्या उगाऊं आप बताना गाइस क्योंकि ये बहुत बड़ी है ये बहुत अच्छा क्या ही बोलूं मैं इन्हें ये फोन पूछ रहे हैं वहां से आने के बाद जहां की एंट्री भी अब बंद हो चुकी है बहुत सारी गाड़ी चल रही है चल लो पहले तो मैंने नहीं सोचा था इस रास्ते से ना जावन लो भाई ये इसके गिफ्ट हैं ये भी आप देख के बताओगी किसे इसने पसंद आए कि नहीं आए खोल लें दो पहले इसने क्या हो सका है इसमें कुछ समझ में आ रहा था नेल पेंट होगा इतना बड़ा परफ्यूम अरे इसमें सूट होगा नहीं चल रहा है साड़ी होगी बता दो इसमें नहीं चल रहा मैं सूट होगा कि साड़ी होगी साड़ी से नहीं होगी सूट हो सकता है या वैसे ही दिखा दे ये दिखना अगर ट्रांसपेरेंट होगा इतना पता है इसमें कपड़े जरूरी है नीचे वाले में कपड़े शर्त कितने कितने के बताओ तू लगा कितने की लगाएगा और तू भी लगा रुक जा पहले शर्त लगाओ मैं बता शर्त लगा ले कितने की लगाएगा भाई क्या शर्त लगाएगा क्या शर्त लगाएगा तू बता क्या है डोल डोल तू बता लगाऊं देख ऊपर ना कुछ ट्रांसपेरेंट वो लगा है प्लास्टिक तू बता तू क्या कह रहा था साड़ी सूट कह रहा था कुछ सजाने वाली चीज है ये बता मतलब रखने के लिए कहीं पे यहाँ से गिट्टी बोझते हैं कैसे गिट्टी बोझते हैं नहीं क्या ही हो सकता है हैंडल लोन प्रेम नहीं मैंने वो ना कहीं कुछ रखने के लिए सजाने के लिए तो किस लिए हुआ है ये तो
सुंदर है, अति सुंदर।